अनुग्रहित सुबह में लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 13वां वाक्य। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अनुग्रहित वचन के आधार पर सुनी गई प्रार्थना विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। प्रभु के मंदिर में धूप जलाने का कार्य करता था जकरिया। इस धूप जलाने की अलग बात यह थी कि प्रभु के मंदिर में जो बलिदान चढ़ाया गया वो सर्वशक्तिमान प्रभु ने स्वीकार किया, उसी को दर्शाते हुए धूप जलाते थे। अनेकों के लिए प्रार्थना करते वक्त उसके हृदय में भी एक प्रार्थना थी कि उसका भी एक वंश हो। यहोवा ने जकरिया की प्रार्थना सुनी। मेरे प्रियो, आराधना के दौरान मिला एक उत्तर है ये। यदि जकरिया ने ये कहा होता कि जब परमेश्वर मेरी मन की इच्छा पूरी करेगा तभी मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा, तो जकरिया और उसका दाम्पत्य जीवन हार जाता। लेकिन सारी विपरीत परिस्थितियों में और हृदय के सारे दर्द पर ध्यान दिए बिना जो सेवा उसे दी गई उसे उसने कर्तव्य बोध के साथ पूरा किया। इसीलिए उस आराधना के दौरान प्रभु ने उसे उत्तर दिया। एक अर्थ में उसके नाम का ही अर्थ यहाँ परमेश्वर प्रकट करते हैं, क्योंकि जकरिया नाम का अर्थ ही परमेश्वर याद रखता है होता है। यदि परमेश्वर ने याद किया तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस वर्ष में हम हर वक्त परमेश्वर को सोचने वाले हों, परमेश्वर को सोचकर अपने कार्य को करने वाले हों, परमेश्वर को याद करने वाले हों। परमेश्वर भी निश्चित रूप से आपको याद करने वाला है। परंपरा के अनुसार 7 तरह के लोगों को परमेश्वर ने त्याग दिया, ऐसा यहूदी शास्त्री सिखाते थे। उनमें से एक है संतान रहित स्त्री। निसंतान होना परमेश्वर का श्राप माना जाता था। इस तरह की विभिन्न समूह की आलोचनाओं पर जीत हासिल कर प्रभु के भवन में न आने के बहाने बनाए बिना परमेश्वर के भवन में नित्य आकर अपने आत्मिक उत्तरदायित्व निभाने के कारण परमेश्वर ने उन्हें याद किया और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान किया। प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। पवित्र पिता, इस सुबह कई लंबे समयों से जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर ये वचन का भाग के सुनने वाले मेरे सभी श्रोताओं को आप याद करें। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।